हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बड़े WWE हॉल ऑफ फेमर की रिटर्न, जो कि हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कुछ बड़े मैचेस जो कि कंफर्म हो चुके हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, और साथ में हम बात करने वाले हैं द शील्ड के सुपर शोडाउन इवेंट में मैच के कन्फर्म होने के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मिस कर दिया तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही आज की मंडे नाइट रॉ, और वहाँ से आप पूरी मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स को जान सकते हैं, वो भी हिंदी में। इसके अलावा हमें आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में द बी टीम वर्सेज रिवाइवल के बीच एक बड़ा मैच देखने मिला, जहाँ पर जीत हुई रिवाइवल की, जिसके कारण नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने मिलेगा, जो कि होने वाला है द बी टीम वर्सेज द रिवाइवल के बीच। इसके अलावा अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें बेला ट्विंस की वापसी भी देखने मिलेगी, और WWE ने ये बात को कंफर्म कर दिया कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें बेला ट्विंस फेस करती हुई नजर आएंगी रे और स्वॉर्ड का। इसके अलावा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो WWE हॉल ऑफ फेमर की हमें वापसी देखने के लिए मिलने वाली है, वो हमें सुपर शोडाउन इवेंट में भी दिखाई देने वाले हैं, और ये सुपरस्टार होने वाले हैं दी हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल। इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में WWE ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें शॉन माइकल आते हुए नजर आएंगे। तो देखना ये होगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में शॉन माइकल क्या बड़ी चीजें कहते हैं। इन वही बात करें दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि लेटर शील्ड के सुपर शोडाउन इवेंट में मैच कंफर्म होने के बारे में। इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक बड़ा मेन इवेंट हुआ था, जो कि था रोमन रेंज एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच, जहां पर मैं ब्रॉन स्ट्रोमन का हील टर्न देखने को मिला और वहां पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया रोमन रेंज पर, और डॉल्फ ज़िगलर ड्रू मैकइंटायर दोनों ने मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमन का इसमें साथ दिया, और रोमन रेंज की काफी ज्यादा हमें देखने को मिली यहां पर अटैक वन पर, और उसके बाद बीच में हमें डीन एम्ब्रोस दिखाई दिया और सेथ रॉलिंस भी दिखाई दिए थे, जो कि हमें अकेले आते हुए नजर आए, जिसके कारण ब्रॉन स्ट्रोमन डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकइंटायर ने मिलकर रोमन रेंज सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस को काफी ज्यादा मारा, जिसके बाद WWE ने तुरंत ही एक बड़ा मैच कंफर्म कर दिया सुपर शोडाउन इवेंट के लिए। और जैसे कि आप स्क्रीन के सामने ही देख सकते हैं, WWE ने लिखा है कि शील्ड को उनका मिल जाएगा मैच, जो कि है डॉल्फ ज़िगलर ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट सुपर शोडाउन इवेंट में, और ये सिक्स मैन टैग टीम मैच हमें सुपर शोडाउन इवेंट के देखने के लिए मिलने वाला, क्योंकि WWE ने इस बात को पहले ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि द शील्ड हमें दिखाई देगी सुपर शोडाउन इवेंट में, और फाइनली अब उनके अपोनेंट भी कंफर्म हो चुके हैं। तो देखना यह होगा क्या ब्रॉन स्ट्रोमन डॉल्फ ज़िगलर और ड्रू मैकइंटायर हमें हराते हुए नजर आएंगे सुपर शोडाउन इवेंट में द शील्ड को, या फिर द शील्ड एक और बार फिर से WWE को काफी ज्यादा डोमिनेट करने वाली है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से कर दें आप इस वीडियो को लाइक। इसके अलावा कमेंट करके आप मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि सुपर शोडाउन इवेंट में जो मैच होने वाले सिक्स मैन टैग टीम मैच, उनमें से कौन सी टीम विनर होने वाली है। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इस तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रिमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।